हेलो, मैं हूं एन एन के रोशन और मिशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि डे टू डे लाइफ में परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा यूज होने की वजह से ये एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट चैप्टर्स है, जिससे क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो परसेंटेज रिलेटेड चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या मिक्सचर और एलिगेशन का भी कुछ पार्ट्स आप कह सकते हैं, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें मैथ्स आता है तो निश्चित ही उसमें इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से सीखने तथा इनसे संबंधित क्वेश्चंस करने के लिए हम कुछ कैलकुलेशन सीखते हैं, जिसका यूज सिर्फ परसेंटेज चैप्टर में ही नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई और मिक्सचर एलिगेशन में भी पड़ेगा। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो ये जानने का होता है कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो परसेंट, परसेंट का मतलब क्या हुआ कि प्रति, और सेंट का मतलब तो आप जानते हैं 100। तो हर 100 पे देखी जाने वाली चीज़ों को हम परसेंटेज कहेंगे। जैसे अगर 100 पे कोई चीज़ 60 निकल के आता है तो इसका मतलब हुआ वो 60% है। तो कैसे हम जानना चाहते हैं उसे कि कैसे डिनोट करेंगे चीज़ों को। परसेंटेज को सभी लोग जानते हैं कि सिंबॉलिकली इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैं कहूँ, आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोर्ड का एग्ज़ाम, टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, तो कहीं कहीं टेंथ बोर्ड में 500 मार्क्स के होते हैं एग्ज़ाम। तो अगर मैं कहूँ कि 500 मार्क्स में से कोई एक छात्र है जो 300 मार्क्स लेकर आया है, तो 500 मार्क्स में से वो 300 मार्क्स ले आया है, तो कितना परसेंट हुआ? तो जानने वाले फटाक से कह देंगे कि सर 60% हुआ। पर मैं लॉजिकली समझना चाहता हूँ परसेंटेज शब्द को। तो मैं चाहता हूँ कि 500 में अगर उसने 300 मार्क्स ले आया है तो वो 100 में कितना लाया होगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि ये 500 है, इसे 100 बनाने के लिए क्या करें, 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये 100 हो गया। तो इस तरफ हमने 5 से डिवाइड किया है तो उस तरफ भी 5 से डिवाइड करते हैं, तो वो कितना हो गया, 60। तो आप देख सकते हैं कि जिस लड़के ने 500 में 300 मार्क्स लाया था, वही लड़का, उसे ही हर 100 में 60 मार्क्स मिले हैं। तो जब 100 में जितना मिलता है वही तो परसेंटेज होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने 60% मार्क्स ले आए हैं। पर बहुत लोग यहाँ ये सोचने लगे होंगे कि सर 100 मतलब 100 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है, उसमें हर सब्जेक्ट में 60? नहीं नहीं, मैं प्रति सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जनरली 100 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि हर 100 मार्क्स में देखा जाए कि हर 100 मार्क्स में उसे कितने कितने मार्क्स मिले हैं। तो 100 मार्क्स का मैंने एक ब्लॉक बना दिया, तो उस 100 में उसे कितने मिले, 60। तो 100 में जितना मिलता है उतना ही परसेंट होता है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कुछ लोग, हम लोग मिलकर और हम लोगों ने कुछ अर्न किया, मान लेते हैं कि हम लोगों ने अर्न किया 8000। अब मैं कहूँ कि 8000 अर्न किया है, उसमें से मेरा जो हिस्सा है वो, मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा हिस्सा है 1600। आप रुपीज़ कह सकते हैं कि 800 रुपीज़ हम लोग कुछ व्यक्ति मिलकर अर्न किए हैं, कमाए हैं, उसमें से मेरा जो हिस्सा पड़ा वो 1600 है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कितना परसेंट हिस्सा मिला। तो देखिए, अब 8000 में 1600 मिला है, तो हर 100 में जानेंगे तभी तो वो परसेंटेज निकल के आ पाएगा। तो अगर मैं 100 में निकालना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं,
तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि 100 बचाने के लिए हमें 80 से डिवाइड करना होगा। अगर हमने 80 से डिवाइड कर दिया इसे, तो 80 आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कट जाएगा, 100 टाइम्स बचेगा, तो यहाँ पे हमारा 100 बच गया। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में 80 से डिवाइड किया है, तो राइट हैंड साइड में भी 80 से डिवाइड करते हैं, और आप देख सकते हैं कि 20 आता है। तो इसका मतलब कि हर 100 रुपीज में हमें कितना मिला है, 20 रुपीज। इसका मतलब है कि मुझे टोटल 20% मिला है। इसका यही मीनिंग है कि मुझे 20% मिला है। अब बस सोचना यह है कि ये तो हुई समझदारी की बात, पर कैलकुलेशन में हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि हमें 1600 रुपीज मिले हैं 8000 में, तो कितना परसेंट हुआ तो हम उसे डिवाइड कर करके चेक करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग में और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब इसी चीज़ को निकालने की बात होती तो मैं कहता कि हमने 500 मार्क्स में से 300 मार्क्स प्राप्त किया है, तो एक मार्क्स में से कितना प्राप्त किया, तो 300 अपॉन 500। तो हमें कितना में निकालना होगा ताकि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो आप कहेंगे तो 100 में देखिए, तो 100 में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 60% आंसर आ चुका है, मतलब हमें 60% आंसर मिला है। अब इसी चीज़ को डायरेक्टली लिखना है तो कैसे लिखा जाए कि हमने 300 मार्क्स प्राप्त किए हैं, कितने में, 500 में। 300 मार्क्स मुझे मिला है 500 में, तो कितने में हम प्राप्त कर लें तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 में कर लिया जाए तो वो परसेंटेज में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करते हैं कि मुझे मिला 1600। अगर इसे यूनिटरी मेथड से देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि 8000 रुपीज में मुझे 1600 मिला है, तो एक रुपये में मुझे कितना मिला है, तो 1600 अपॉन 8000। तो ये परसेंटेज में कब कन्वर्ट होगा, जब हम पर 100 हर 100 रुपीज़ में निकालेंगे। तो 100 रुपीज़ में कितना मिला है हमें, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से हमारा आंसर हुआ 20%। अब इसी को डायरेक्टली लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि मुझे 1600 मिला, कितने में, 8000 में। मुझे 1600 मिला 8000 में, तो परसेंटेज में ये कब कन्वर्ट होगा, जब हम 100 में प्राप्त करेंगे, और ये फाइनली परसेंटेज को डिनोट करेगा। तो परसेंटेज निकालने का ये तरीका है कि जब भी हमें किसी चीज़ को देखना है कि वह कितना परसेंट है, तो निश्चित रूप से उसका कोई इनिशियल वैल्यू रहा होगा, उसी पर हम देखेंगे उसे। ऐसा तो है नहीं कि किसी से भी ऐसे ही कह देंगे कि 40 कितना परसेंट है। तो 40 कितना परसेंट है अगर ये निकालना है, तो हमें इनिशियल वैल्यू देना होगा कि कितने पे देखना है उसे। अगर मैं कहता हूँ कि एक लड़के के पास 6000 रुपये है, एक लड़के के पास 6000 रुपये है, और उसने उसे एक अन्य लड़के को, मान लेते हैं वो लड़का ए है, उसके पास 6000 रुपये है। अब मैं कह रहा हूँ कि उसने एक अन्य लड़के बी को 450 रुपीज़ दे दिया, तो बताइए उसने कितना परसेंट उसे दे दिया। तो आप ऐसे कहेंगे कि अच्छा 450 दे दिया, कितने में दे दिया, 6000 में उसने 450 दे दिया, 6000 से या 6000 पे या 6000 का 450 रुपीज़ उसे दे दिया। तो कितने में देखें कि वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, तो आप कहेंगे कि 100 में देख लिया जाए। तो आपने ऐसे किया, अब 6 से आप काटें, जितना आ जाएगा वही परसेंटेज होगा। तो 7.5%, ये सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यह है परसेंटेज। जब भी हमें किसी वैल्यू को किसी अन्य वैल्यू से देखना होता है कि वो उस वैल्यू का कितना परसेंटेज होता है,
तो जिस वैल्यू को देखना है उसे ऊपर रखेंगे, और जिस वैल्यू से उसका कंपैरिजन करना है, जिस वैल्यू के रेस्पेक्ट में देखना है उसे नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही परसेंटेज है। और जो हम सीखने जा रहे हैं बेसिकली, अगर वो आप जान जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये सारे चैप्टर्स परसेंटेज और परसेंटेज से रिलेटेड, कम से कम उस सिंगल कैलकुलेशन के दम पे कम से कम 40% आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 180 का 100% कितना होगा, तो आपको जानना चाहिए कि किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होता है। क्यों भाई? क्योंकि हम परसेंट को डिनोट कैसे करते हैं। अगर 60% को डिनोट करना है तो 60 है कितने में, 100 में, तो 100 को नीचे लिखते हैं, और यही परसेंट को डिनोट करने का तरीका है। तो अगर 180 का 100% देखा जाए तो 180 का, तो आप जानते हैं सभी लोग 100%, तो आप देख सकते हैं कि 180 हुआ। तो किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होता है, तो ये हमें साफ साफ ऐसे ही लिख देना है। अगर मैं कहूँ कि 180 का 50% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि अगर 100% वही संख्या है तो 50% मतलब उसका हाफ है, तो हमें इस संख्या का आधा कर देना है, 90 हुआ। अगर मैं कहूँ कि 100 का 10% कितना है, तो देखिए 10% अगर हम निकालें ऐसे, तो 180 का 10% तो कितना हुआ, 18। ये तो हुआ कैलकुलेशन का तरीका, पर मैं जो बता रहा हूँ आप उसे सीखेंगे। जब हम 10% निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जिस भी संख्या का 10% निकालते हैं तो उसका डेसिमल जहाँ भी है उसे एक प्लेस बाएं तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो बताइए, तो 180 में हमारा डेसिमल कहाँ है, तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो सबसे राइट साइड में रहा होगा यहाँ पे। अब इसका हमें 10% निकालना है, तो डेसिमल को हम यहाँ पे लाएंगे और यही हमारा इसका 10% होगा, तो ये 18 हुआ। ये अब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको इतना ही अच्छा संख्या मिले। अब मैं कहूँ कि 16.3 का 10% आप बताइए, तो आप आसानी से बोलेंगे कि अच्छा 10%, तो 10% में हमें सिर्फ एक प्लेस डेसिमल और बाएं तरफ शिफ्ट कर देना है, वही उसका 10% हुआ। तो 16.3 का 10% कितना हुआ ये। अब चूंकि हम 10% निकाल चुके हैं तो हम 1% भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं कहूँ कि 180 का 1% कितना हुआ, तो आप ऐसा कहेंगे कि जब 10% के लिए एक प्लेस बाएं तरफ शिफ्ट करना है तो 1% के लिए 2 प्लेस बाएं तरफ शिफ्ट कर देना है डेसिमल को। तो हमारा डेसिमल अभी कहाँ है, यहाँ पे है। अगर हम इसे 2 प्लेस इधर शिफ्ट करें तो 180 का 1% कितना हुआ, 1.8। अब ज़रूरी नहीं कि इतना ही अच्छा संख्या हमेशा रहे। तो अगर हमें निकालना है 16.3 का 1%, तो 16.3 का अगर 1% निकालना है हमें, तो 1% निकालने के लिए हमें डेसिमल को कितने अंक शिफ्ट करना है, तो आप कहेंगे कि 2 अंक इधर शिफ्ट कर देना है। तो हमारा आंसर हुआ 0.163। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसे आप अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि इसी कैलकुलेशन के दम पे आप बहुत आसानी से हर चीज़ कर पाएंगे। अब बात हुई कि हमने 10% सीख लिया, 1% सीख लिया। अब मैं बोलूं कि 180 का 5% क्या होगा, कैसे निकाला जाए, तो आप कहेंगे कि 10% अगर निकाल कर उसका हाफ कर लिया जाए तो वो 5% होगा। और 10% कैसे निकाला जाता है, तो जो भी संख्या दिया हुआ है उसका डेसिमल एक अंक इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो वही 10% हो जाएगा उसका। तो 180 का 5% निकालने के लिए हमें क्या सोचना है, हमें सबसे पहले इसका 10% निकाल लेना है। तो 180 का 10% कितना हुआ, तो 18 हुआ। और 18 हमें नहीं निकालना है, 10% नहीं निकालना है, 5% यानी उसका आधा, तो हम सीधा आंसर क्या करेंगे, 9। अब बिल्कुल इसी तरह से
जैसे आपने 10% निकाला तो उससे आप 5% निकाल लिए। अब अगर आप किसी संख्या का आपको 1% दिया हुआ है तो आप उसका 2% 3% ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 180 का 2% निकालिए आप, तो चूंकि आप 180 का 1% निकालना जानते हैं, कैसे करेंगे 180 का 1%, तो हम जानते हैं कि 1% के लिए डेसिमल को 2 अंक बाएं तरफ शिफ्ट कर देना है। तो डेसिमल अभी हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से हम 1 अंक 2 अंक यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 1.8 हो जाएगा। अब 1.8 तो हुआ 1%, तो 2% के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, और ये सब मानसिक रूप से आने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 180 का 3% बताइए, तो आप कहेंगे कि 1.8 तो हुआ 1%, 2 अंक इधर किया मैंने, और हमें 3% निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया जाए कितना आएगा, 5.4। तो ये है कुछ बेसिक बात जिसे आपको दिमाग में रखना ही रखना है। अब अगर मैं कहूँ कि किसी संख्या का 200% कितना होगा, तो किसी संख्या का 100% खुद वो संख्या होता है, तो 200% मतलब दुगना। तो अगर मुझे निकालना था 162 का 200%, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस आप जानते हैं कि 162 का 100% 162 ही होगा। इसलिए अगर हमें 200% निकालना है तो हम सिर्फ उसका दुगना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इतना। तो इसी पर, इसी को यूज करते हुए हम कुछ हज और कैलकुलेशन सीखते हैं। ये तो हमने जाना कि हम कैसे किसी संख्या का 100%, जो कि खुद वो संख्या होता है, किसी संख्या का 50%, यानी कि 100% निकाल के मन में और उसका आधा कर लेंगे, किसी संख्या का 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 1 डेसिमल शिफ्ट हो जाते हैं इधर, बस, और कुछ नहीं करते। अब देखिए, ये भी तरीका ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, पर इसमें जो हमने ये लिखने में टाइम लिया, वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल एग्ज़ाम में, उसे ही बचा लेना है। अगर उसे आपने बचा लिया तो बस एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा का फासला नहीं रह जाता है। तो बस टाइम बचाइए और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइएगा, तभी टाइम बचेगा। तो चलिए, हम कैलकुलेशन को ही ठीक कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि 1% निकालने के लिए क्या किया जाए, तो डेसिमल को 2 अंक शिफ्ट कर लेना है। अब 5% निकालने के लिए क्या किया जाए किसी संख्या का, तो 5% निकालने के लिए 10% निकाल लेना है मानसिक रूप से, और उसका हाफ कर लेना है, वही उस संख्या का 5% होगा। किसी संख्या का 2% कैसे निकालना है, तो 2% निकालना है हमें, उस संख्या का 1% निकाल देंगे और उसके बाद उसे दुगना कर देंगे, वो सब मन में ही करने हैं। 3%, 1% निकाल के 3 गुना कर देंगे। तो चलिए सभी लोग, इस सब को आपको नोट्स के रूप में लिखने हैं अच्छे से। जो मेन चीज़ है वो यही है, लाभ हानि हर चीज़ में आप देखे होंगे, इतना प्रतिशत लाभ हुआ, इतना प्रतिशत की हानि हुई, ये सब चीज़ें वहीं पे यूज होंगी अच्छे से, और वहीं पे अगर आपने यूज करना सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। तो आइए, ये हैं कुछ क्वेश्चंस जिसे हमें मुझबानी करना है। ऐसा नहीं कि बस पेन पेपर लिया है, 15% 160 × 15/100, ये सब कोई करना जानता है, एक बच्चा करना जानता है, पर इससे टाइम की बचत नहीं होती। टाइम की बचत होती है चीज़ों को मुझबानी करने से। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो हमने कहा कि 160 का 15%, तो अगर निकालने के लिए देखा जाए, जो हम लोगों के मन में तेज करने का मतलब क्या होता है, कि तेज करना मतलब, अगर कहीं देख लिया 160 का 15%, तो तेज करने का मतलब ये होता है ऐसे, ये कोई तरीका नहीं है तेज करने का। तेज करने का मतलब तेज लिखना नहीं होता, तेज करने का मतलब होता है चीजों को मानसिक रूप से ही अगर कर लिया जाए, तो हम जानते हैं कि लिखने की अपेक्षा सोचने में कम समय लगता है, तो अगर आपने सोचकर ही कर लिया तो वो हुआ तेज करना, और वही करना है हमें, वही सीखना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सोच के ही करते हैं। ये मैं पेन कर देता हूँ बंद और यहीं पे करते हैं।
बस सिर्फ आंसर लिखने के लिए ओपन रखता हूँ पेन को। तो 160 का 15%, तो अगर मैं कहूँ कि 10% मैंने कैसे बताया था आपको, तो 160 का 10% हम जानते हैं कि डेसिमल को एक अंक इधर लाएंगे तो 16 होगा, और 5% उसमें और ऐड करना है, तो 16 का आधा और कितना होता है, तो 8 होता है। तो 10% हुआ 16 और 5% उसका और आधा 8 और, तो 16 और 8 इसका आंसर हुआ 24। और ऐसे ही चीज़ों को कैलकुलेट करने के तरीके सीखेंगे हम लोग। बस 140 का 35%, तो आप देख सकते हैं कि 35% में हम 30% निकाल लें और 5% निकाल के ऐड कर दें। तो अगर मैं कहूं कि 140 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 14, और 5% कितना होगा, तो 7। तो इसका 10% निकाल के 3 टाइम्स करना है, क्योंकि 30% प्लस 5 करने का हम कंसेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पे। तो 140 का 35% मतलब इसका हुआ 10%, 1 डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे तो 14, और 3 टाइम्स करेंगे ताकि 30% हो जाए, तो 14 3 जो होता है 42। आप सभी लोग ये सब छोटे मोटे टेबल्स याद रखे होंगे, तो 14 3 जो 42, तो वहाँ से मिला हमें 42। और 5% और, तो 140 का 10% 14 हुआ और 5% उसका 7 और, तो 42 और 7 कितना हुआ, 49। नेक्स्ट में देखते हैं 200 का 45%। तो देखिए यहाँ से हम दो अप्रोच लेकर बढ़ सकते हैं, एक तो हम 10% निकालें जो कि 21 होता है, और उसका 4 टाइम्स करें, तो 4 टाइम्स करेंगे तो 21 चौका 84, तो 84 आया। और 5% और निकालना है, तो हम जानते हैं कि 10% हुआ 21, तो 5% होगा 10.5, तो 84 और 10.5 तो 94.5, 94.5। पर यही चीज़ें तो हमें सीखनी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम 45% को 50% माइनस 5% से ज़्यादा ईजिली नहीं कर पाएंगे? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ सर, ये ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो करके देखते हैं। तो 45% का मतलब 50% माइनस 5%, तो 210 का 50% कितना हुआ, तो आप कहेंगे 105, 105 हुआ। 210 का 50% आपको बताया गया था कि 100% और उसका आधा होता है 50%, तो 210 का 50% 105, और 210 का उसमें से 5% माइनस कर देना है, तो 210 का 10% कितना हुआ, तो 21, तो 5% कितना हुआ, 10.5, यानी 105 में से 10.5 माइनस कर देना है 10.5, तो 105 में से 10.5 माइनस कर देना है। मैं माइनस करने के भी तरीके आपको सिखाता रहूँगा। तो देखिए, आप सबसे पहले 105 में से 10 माइनस कीजिए, तो आप पहुँच जाएंगे 95 तक, 0.5 और माइनस कीजिए तो आप 94.5 तक पहुँच जाएंगे। तो आपने देखा कि जो ये तरीका है हमारा 210 का 45% निकालना, 5 दुना 10, 5 नवा 45, इस तरह से, ये बहुत ही आप देख सकें कि कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग है इसके कंपैरिजन। लोग यही करते हैं और टाइम पूरा ख़राब करके, और बोलते हैं कि थोड़ा सा और समय मिलता तो मैं सब कुछ कर लेता, तो हमारे लिए स्पेशल टाइम थोड़े ना बनाएगा एग्जामिनर, सबको उतने ही टाइम में करना है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे मैंने ये किया, आप इसके बारे में निश्चित रूप से सोच चुके होंगे अब तक, 180 का 55%, इसका क्या मीनिंग हुआ कि 180 का 50% निकाला जाए और 180 का 5% निकाला जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो 180 का 50% हुआ 90, 180 का 50% 90, और 180 का 5% और निकालना है हमें, तो 180 का 10% तो 18 हुआ और 5% हुआ 9, तो 90 जो कि 50% था
और 5% 9, तो इसका आंसर हुआ 99। नेक्स्ट देखते हैं 120 का 95%। तो 120 का 95% कैसे निकालें, तो क्या 10% निकाल कर 9 गुना करें या 100% माइनस 5% करें? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि 100% माइनस 5% वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा जल्दी कर पाएगा। तो 120 का 95% निकालना है, तो 120 का 100% कितना होगा? तो आप कहेंगे 120, और 5% उसमें से माइनस कर देना है। तो 120 हुआ 100%, 5% कितना हुआ? तो 10% हुआ 12, तो 5% हुआ 6। तो 120 में से 6 माइनस करेंगे तो 114 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 660 का 75%, तो 660 का 75% निकालना है, तो 75% को हम ब्रेक कर सकते हैं 50% प्लस 25% में। तो ये 50% हम जानते हैं कि 100% यानी उस संख्या का आधा करना होता है, और 25% 50% का भी आधा हुआ। बस अगर ये आपने समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। अब तो 660 का 75% निकालना है, तो इसका 50% कितना हुआ? तो आप अच्छे से जानते हैं कि 330, ये हुआ इसका 50%। अब 25% और, मतलब 330 का और आधा, तो आप जानते हैं कि 300 का आधा होता है 150, और 30 का आधा 15 यानी 165 और, तो हमारा आंसर हुआ 495। ध्यान से सीखिए चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कर पाएंगे। मैंने कहा कि 660 का 75% निकालने के लिए इसे मैंने 50% और 25% में बदल लिया। 50% जो निकालेंगे उसका आधा और करेंगे तो वो 25% होगा। तो 660 का 50% कितना हुआ? तो 330। अब 25%, तो ये जो निकाले 50%, इसका आधा और इसमें ऐड करना होगा, तो 330, तो 300 का आधा 150, 150, 30 का आधा 15, तो 150 और 15 165, और हमारा आंसर हुआ कितना 495। तो 660 का 75% हुआ 495। 234 का 20%, तो 234 का 20% कितना हुआ? तो हम जानते हैं कि 10% हुआ इतना, 10% 23.4 हुआ, तो 20% सिर्फ दुगना कर देंगे तो हमारा 46.8 हो जाएगा। 750 का 18% लिखा है मैंने, तो 18% के लिए क्या किया जाए? 10% निकाला जाए और फिर 8%, या 20% निकाल के उसमें से 2% माइनस कर लिया जाए? तो मुझे लगता है कि 20% निकाल के 2% माइनस कर लिया जाए, वही तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम निकालते हैं इसका। 750 का हमें निकालना है 18%, तो हम क्या करेंगे कि हम इसका 20% निकालेंगे। तो 750 का 10% कितना हुआ? 75, तो 20% कितना हुआ? तो 150, ये सब मन में करने हैं आपको, 150, 150 मिल चुका है मुझे। अब हम जानते हैं कि हमने 20% निकाल दिया, हमें निकालना था 18% ही, तो 2% माइनस भी करना होगा, तो 750 का 1% कितना हुआ? तो आप कहेंगे 1.2 पॉइंट, 7.5%, 1% हुआ 7.5%, तो 2% हुआ 15। तो पहले से हमने निकाल रखा था 150 और उसमें से हमें माइनस करना है 15, तो हमारा आंसर हुआ 135, और ये सब मुझबानी करने हैं। फिर से देख लीजिए, 750 का 18%, तो हम क्या करेंगे कि 20% निकाल लेंगे और 2% माइनस कर देंगे। तो 2% किसका माइनस करेंगे? 750 का ही। तो हमने कहा कि 750 का 20% कितना होगा, तो 10% होता है 75, तो 20% हुआ 150। अब हमें 2% माइनस करना है, तो 1% होगा इसका 7.5, तो 2% होगा 15,
तो जब हम इतना माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 135। चलिए 214 का 30%, तो हम जानते हैं कि 10% निकालकर हम उसे तीन गुना कर सकते हैं, तो हमारा 10% कितना हुआ 21.4। तो ये हुआ 10%, तो 30% के लिए हम क्या कर दें, इसे तीन गुना कर दें। तो आप जानते हैं कि जब इसे तीन गुना करेंगे तो 4 3 12 और 21 3 63 और 1 64। तीन गुना कर लीजिएगा, 4 3 12 वो बचता है जो कैरी होता है 1 21 3 63 और 1 64। देखिए 540 का 80%, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 540 के 100% में से 540 का 20% घटा दें। बहुत बच्चे तो कहेंगे सर यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, ये तो आसानी से कट जाता 500। तो मैं कहूँगा कि फाइनली आपको मल्टीप्लीकेशन तो करना ही है, और साथ ही साथ जब अब आप इस तरह का काम करते हैं ना तो बिना लिखे ये आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जनरली यही होता है सबके साथ कि इस तरह के कैलकुलेशन में वो बिना लिखे बढ़ नहीं पाते हैं, और जो लिखने में समय लगता है वो सबको पता है। और फाइनली आपको 54 × 8 तो करना ही है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना वही तरीका अपनाएंगे जो असल में हमारे कैलकुलेशन को ठीक कर दे, और एक दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए। तो देखिए 540 का 80% निकालना है, तो हम निकालेंगे 540 का 100%, जो कि होता है 540 ही, और उसका 20% उसमें से माइनस कर देंगे। तो आप जानते हैं कि 540 का 10% कितना हुआ, तो 54, और अगर हम 20% निकालें तो 108 आता है। तो 540 में से जब आप 108 माइनस करेंगे, तो आप जानते हैं कि 540 में से जब 100 माइनस करेंगे तो 440, और 440 में से जब 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा होगा 432। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ करने के लिए, वो आपको मुझवानी करने हैं, और वो ये तो था सिखाने के लिए, पर वो आपको करने हैं, और जस्ट तुरंत ही बस ये, चूंकि मेरा फर्स्ट क्लास था, बस मैं सेकंड और थर्ड क्लास से ही जो थोड़े बहुत छोटे मोटे चीज़ें रहेंगी वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप उसे करके आइएगा, ताकि आप जो भी यहाँ पे सीखें वो पूरी तरह से एसिमिलेट हो जाए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत सीखे चल दिए और फिर इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल घूम रहे हैं। घूमने से कुछ नहीं होगा, अगर आप एक चैनल पर स्थायी होकर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो उस एग्ज़ाम में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसे आप लिख लीजिए और कैलकुलेट करके देखिएगा कि जो चीज़ें आपने सीखी उससे ये चीज़ें कितनी आसान हो रही हैं। तो ये पुनः मैंने 10 क्वेश्चंस लिख दिया आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे ऐसा नहीं कि एक एक बार किए और फिर छोड़ दिए और समझ लिए कि मेरा तो कैलकुलेशन ठीक हो चुका है। इसे दो दो तीन तीन बार करके देखने हैं, और हर बार आपको लगेगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो रहा है। तो आप उसे ठीक तरीके से कीजिएगा। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जैसे 270 का हमें 22% निकालना है, तो हम 270 का 20% निकालेंगे और 2% निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐसा मत कीजिएगा कि 270 का 22/100, तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, फाइनली आपको फंसना ही है। अगर आप वैसे करेंगे तो ऐसा मत सोचिएगा कि उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा और आप उसे इजीली कर लेंगे, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन आएगा और ज़्यादा ही टाइम लेगा। तो आप अपना कैलकुलेशन ठीक कीजिए, सिर्फ लिखने का वो स्पीड मत बढ़ाइए, मानसिक कैलकुलेशन ठीक कीजिए, अपने दिमाग को शार्प कीजिए, मुझबानी चीज़ों को करना सीखिएगा, तभी हो पाएगा, कोई भी आप बड़ा एग्जाम भी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। 140 का 53%, तो आप साफ देख सकते हैं कि 140 का 50% निकाल लेना है और 140 का ही 3% निकाल लेना है, दोनों को ऐड कर देना है। 64 का 16%, तो आप क्या करेंगे, 64 का 10% निकालेंगे, 64 का 5% निकालेंगे और 64 का 1% निकालेंगे,
और ऐसा नहीं है कि इतना 10% 5% और 1%, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 64 का 10% कितना हुआ तो 6.4, 5% कितना हुआ तो 3.2। तो ध्यान से देखिएगा, 6.4 10%, 5% हुआ 3.2, और अगर मैं बात करूँ 1% और, तो 1% और का मतलब पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 0.64 और। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि आंसर आ गया 10.24। नेक्स्ट में देखते हैं 420 का 62%, तो आप 50% जो कि 210 होता है, 10% फिर जो कि 42 होता है, तो 210 और 42 252 हो गए, और 2% और यानी कि 4.2 होगा 1%, तो 2% हो जाएगा 8.4। और बहुत ही आसानी से आप, तो इससे आपका एडिशन भी ठीक होगा और कैलकुलेशन तो आपका ठीक हो ही रहा है। 352 का 32%, तो आप क्या करेंगे कि 10% निकाल के 3 गुना कर देंगे, फिर 1% निकाल के दुगना करके ऐड कर देंगे, मतलब पहले 30% निकालेंगे फिर 2% निकाल के ऐड कर देना है। ये सब करना है आपको। ये मैंने, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट दिया है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दरअसल वो बहुत ही आसान होते हैं। कहेगा कि एक व्यक्ति ने 600 रुपये में एक वस्तु खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो ये जो 600 रुपये और 800 रुपये, इसी तरह के वैल्यू जनरली दिए जाते हैं एग्जाम्स में, आपको वहाँ पर बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। इसीलिए मैं थोड़ा तकलीफदायक चीज़ें करवा रहा हूँ कि आप करें, ताकि आपको उन सब चीज़ों में, तो ऐसे ही बस देखा और आंसर क्लिक कर दिया। वहाँ पे आते हैं 320 का 18%, तो अभी मैंने आपको बताया कि 18% निकालने के लिए हम 20% इसका निकालेंगे जो कि 64 होगा, और 2% और माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना तो 30% निकालेंगे और 3% माइनस कर देंगे। तो आप जानते हैं कि अगर 210 का 30% निकाला जाए तो 10% हुआ 21, तो 30% होगा 21 63। 3% हमें माइनस कर देना है क्योंकि हमने 30% निकाल लिया है, तो 1% होगा 2.1, तो 3% कितना हुआ तो आप कहेंगे 6.3। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 56.7। यहाँ पे आते हैं, ये सब मुझबानी हो जाएगा धीरे धीरे, पर अभी आप ऐसे घटा घटा के कीजिएगा। 285 का 21%, तो आप जानते हैं कि 20%, तो 10% हुआ 28.5, तो आप जानते हैं कि 20% तो 28 का होता है दुगना 56, तो 28.5 का होगा 57, तो 20% हो गया इसका 57, और 1% हो गया 2.85। तो 57 में जब 2.85 आप जोड़ेंगे तो 59.85 हो जाएगा। 184 का 15%, तो आप जानते हैं कि ये हुआ 10%, 18.4 10% हुआ, और 5% और जो कि 9.2 है, तो हमारा आंसर हो गया 27.6। 964 का 37% निकालना है, तो आपको क्या करना है कि 10% निकाल के आप 4 गुना कर लेंगे, तो आप जानते हैं 10% कितना हुआ इतना, तो 4 गुना इसका कितना होगा, तो 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, 9 चौका 36 और 2 38, इतना आया 40%, पर हमें तो 37% ही निकालना था, तो हम इसका 1% निकाल कर और 3 गुना करके उसमें से माइनस कर लेंगे, तो 1% कितना होता है इतना, इसका 3 गुना हम करते हैं तो 34 12, 36 18 और 1 19, और 39 27 और 1 28। अब इसे हम माइनस कर लेंगे, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ चुके हैं, बस करना बाकी रह गया है।
तो ये है आपको करने के लिए दिया गया था, बस मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया आपको ताकि आप इसे आसानी से कर पाए। तो जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में फुल एनर्जी के साथ, तब तक आप इसे एकदम बहुत अच्छे से कीजिए, तभी आप एकदम, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर जो भी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर उसे आपने बिल्कुल मेरे तरीके से कर लिया तो हर चैप्टर आपको फिंगर टिप्स पे बनता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में।